पिगमेंटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर किसी के लिए आज के टाइम में. कहीं किसी को कोई डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, तो कहीं किसी को कोई पिगमेंटेशन हो रहा है, तो कहीं किसी को सनबर्न्स हो रहे हैं, तो कहीं किसी को टैनिंग हो रही है. कहीं ना किसी टाइप को एक स्पॉट आपके फेस पे हमेशा बन ही जाता है. एंड नो मैटर आप कितने भी टाइप्स के स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज कर लो, समटाइम्स दोस प्रोडक्ट डोंट वर्क ऑन योर स्किन. इस टाइम पर आते हैं हमारे कुछ नेचुरोपैथिक और हम हमारे होम रेमेडीज, पुराने पुराने दादी माँ नानी माँ के नुस्खे जो बहुत इफेक्टिवली वर्क भी करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, सारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव भी कर देते हैं इंस्टेंटली और आपको हेल्दी लुकिंग ग्लोइंग स्किन भी देते हैं. अगर आप इन सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहते हो, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप यूज करके अपनी स्किन को पिगमेंटेशन फ्री कर सकते हो, आपको इस वीडियो में मैं टॉप 10 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में यूज कर सकते हो, फेस पैक्स में वगैरह वगैरह, और अपनी स्किन को ना क्लियर बना सकते हो पिगमेंटेशन से. सबसे पहले इंग्रेडिएंट आता है लेमन, मतलब नींबू. हर किसी के फ्रिज में होता है, हर किसी के घर में होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है. और लेमन के अंदर अमेजिंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, प्लस विटामिन सी भी होता है जो आपकी स्किन को ना ही सिर्फ डार्क स्पॉट रिमूव करने का काम करता है, बट आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से भी बचाता है. आप लेमन को डायरेक्टली अपने फेस पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी की स्किन नॉर्मल या ऑयली स्ट्रांग नहीं होती जो लेमन की ना प्रॉपर्टीज को एग्जैक्टली डायरेक्टली बर्दाश्त कर सके. सो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा दही लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और एक फेस पैक की तरह लगा के फेस पे लगा लीजिए और 15 मिनट अपने फेस को धो लीजिए. यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट विद इन 3 वीक्स. अगर आप इसको रेगुलरली करते हो 3 वीक्स तक, मतलब कि हफ्ते में एक या दो बार लगाते हो, 3 हफ्ते में आपको बहुत अमेजिंग और इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे. ये ना ही सिर्फ आपके डार्क स्पॉट को रिमूव कर देगा पर आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग भी बनाएगा, क्योंकि जो विटामिन सी की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो आपकी स्किन को अगेन ग्लोइंग और हेल्दी करने के लिए हेल्प करे. सेकेंड अमेजिंग इंग्रेडिएंट है आलू, पोटैटो. हमने बचपन से देखा है कि अगर कहीं भी ना स्किन बर्न हो जाती थी, काम करते समय हाथ जल जाता था गैस से या किसी भी चीज से, तो इंस्टेंटली उस पर आलू लगाने को कहा जाता था ताकि वहां पे ताकि वहां पे स्किन बर्न ना हो जाए या बर्न का मार्क ना बन जाए. आलू के अंदर अपने आप नो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन को हील करने का काम करती है. आप चाहे तो आलू को कद्दूकस करके उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके किसी भी नो मुल्तानी मिट्टी में या सैंडलवुड पाउडर में किसी भी फेस पैक में यूज करके अपने फेस पे इजीली लगा सकते हैं. या अगर आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो अगेन आप चाहे तो आलू को कट कीजिए, 2 सेकेंड वेट कीजिए ताकि थोड़ा सा उसका जूसीनेस आपके उसके सरफेस पे आ जाए, और फिर उसको अपने फेस पे डायरेक्टली रब कर लीजिए. उसके बाद कम से कम 10 मिनट के बाद अपने फेस को धो लीजिए. अगेन पोटैटो जो है उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है फॉर श्योर, आपकी स्किन को लाइटन करने का काम करता है. आपकी स्किन पे अगर टैनिंग एक्सट्रीम हो चुकी है तो इसको भी रिमूव करने का काम करता है. तो अगेन आलू बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, इसको प्लीज डेफिनेटली ट्राई कीजिए. मैं अपने बहुत सारे स्किन केयर DIYs में इसको यूज कर चुकी हूँ. अगर आपको सारे DIYs देखने हैं तो नीचे लिंक दे रखी है जो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे प्लस Instagram Reels and Facebook Reels पे already uploaded है, so please go and watch those reels. मैं आलू को बहुत use कर चुकी हूँ, जब पीछे मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा acne हो चुके थे और acne marks थे, मैंने उसके ऊपर पूरी dedicated video भी बनाई थी, तो उसकी भी लिंक, सब चीजों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी अगर आपको DIYs देखने हैं. अदरवाइज आप चाहो तो आलू को लीजिए, कट कीजिए, अपने फेस पे लगाइए, रब कीजिए, उसको कम से कम 10-15 मिनट तक रहने दीजिए और फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए. थर्ड बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल. हम सब एलोवेरा जेल के बारे में बात करते हैं, सब लोग एलोवेरा के बारे में, उसके अंदर बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, वो आपके फेस पे नो सीबम को कंट्रोल करता है, एक्नेस और एक्ने मार्क्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को अच्छे से वेल मॉइस्चराइज भी करता है. तो मेरे ख्याल से एलोवेरा के बारे में ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सबको उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे से पता है. आप चाहे तो डायरेक्ट एलोवेरा प्लांट को यूज कर सकते हैं या फिर एलोवेरा प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं. मैं 2 ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ व्हेन कम्स टू एलोवेरा, एंड दैट इज फर्स्ट पतंजलि एंड द सेकेंड वन इज वाओ का एलोवेरा जेल. मैंने दोनों यूज किए हैं और ये दोनों बहुत अमेजिंग है. मैंने और भी टाइप के एलोवेरा जेल्स यूज किए पर मुझे इनमें इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो उतना इफेक्टिवली वर्क करेंगे आपके नो हीलिंग प्रोसेस में, ना ही सिर्फ मॉइस्चराइजर में बट हीलिंग प्रोसेस में. ऑब्वियसली बात है जेल है तो आपकी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करेगा ही, पर जो आपको स्किन को बट जो इस वक्त आपकी स्किन को हीलिंग प्रॉपर्टी की जरूरत है वो हील अगर आपको करवाना है तो या तो पतंजलि का लीजिए या फिर वाओ का एलोवेरा जेल ले लीजिए, या फिर बेस्ट है कि अपने प्लांट में से एक एलोवेरा प्लांट लीजिए, उसको इतना सा छोटा सा कट कीजिए, उसका सारा सा जेल स्क्वीज आउट कर लीजिए, उसको अच्छे से फेंट के अपने फेस पे लगा लीजिए. अगर आपको सारा प्रोसेस देखना है कि कैसे करते हैं, अगेन उसकी भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो अगेन आपको लिंक नीचे मिल जाएगी. फोर्थ इंग्रेडिएंट है हल्दी, टर्मरिक, अनदर अमेजिंग एशियंट
हीलिंग इंग्रेडिएंट। इसके अंदर बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, आपके स्किन को हील करने का काम करते हैं। अगर किसी के जॉइंट पेन्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन्स होती है या कोई भी किसी टाइप की ना चोट वोट लग जाती है, हम हमेशा हल्दी लगाने के लिए सजेशन करते हैं कि हल्दी का लेप लगाइए या हल्दी वाला दूध पीजिए। तो हल्दी के अंदर अगेन बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके फेस पे मार्क्स बन चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको हल्दी यूज करनी है, पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करनी, वरना वहां पे येलो पैच बन जाएगा। अगर आप हल्दी को यूज कर रहे हो किसी भी टाइप के फेस पैक के अंदर, तो एक पर्सन के फेस पैक के लिए चुटकी भर हल्दी इज सफिशियंट। वो आपकी स्किन को हील भी कर देगी, पिगमेंटेशन को रिमूव भी कर देगी। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई जर्म्स हो चुके हैं जिसकी वजह से यू नो पिगमेंटेशन फॉर्म हो चुका है या कोई बिल्डअप हो चुका है आपके फेस पे, उन सबको रिमूव करने का भी काम करेगी। नाउ फिफ्थ इंग्रेडिएंट आई एम गोना टॉक अबाउट इज एवोकाडो। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट जब हम लोग DIYs की बात करते हैं स्किन केयर DIYs, हम लोग हमेशा सोचते हैं ऐसी चीजें जो घर पे इजीली अवेलेबल हैं उन्हीं को मिक्स एंड मैच करना है, अपने फेस पे लगाना है, अपनी स्किन को अच्छा करना है। बट एवोकाडो इज समथिंग हर किसी के पास इजीली अवेलेबल नहीं होता, जैसे मेरे पास भी नहीं है। मुझे एवोकाडो लगाना है अभी तो मुझे इसको जाके लेके आना पड़ेगा। बट अगेन मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग उसको यूज करते हैं अपने घर में फॉर डेली पर्पस, फॉर डेली ईटिंग पर्पसेस, वो लोग उसको अपने स्किन पे इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि एवोकाडो में विटामिन ई और विटामिन B6 होता है। उसके अंदर एक अमेजिंग प्रॉपर्टी होती है जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, जिसको ल्यूटेन कहते हैं। अगेन आपकी स्किन के ऊपर कोई भी टाइप की रेडनेस हो रखी है, इंफ्लेमेशन हो रखी है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन फॉर्म हो चुकी है, वो उन सबको रिमूव करने का काम करता है। एवोकाडो को लगाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने एवोकाडो लिया, उसका हाफ एवोकाडो लेके उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया और फिर उसको डायरेक्टली अपने फेस पे लगा लिया। अगर वो आपको थोड़ा वाटरी लग रहा है तो अगेन उसके अंदर आप राइस फ्लावर या फिर मुल्तानी मिट्टी, किसी भी टाइप का पाउडर इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करके उसको एक पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा सकते हैं, एंड दैट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स। द सिक्स्थ थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज इट इज अगेन नॉट अ न्यू इंग्रेडिएंट, मार्केट में ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बात होती है, और वो है एप्पल साइडर विनेगर। बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है व्हेन इट कम्स टू नो ट्रीटिंग योर स्किन। आपको उसको बहुत ध्यान से यूज करना है उसको, चाहे तो आप एक कॉटन पैड में लेके थोड़ा सा अपने फेस पर डैप डैप कर सकते हैं जहां भी आपको पिगमेंटेशन लग रही है, या अगेन बेस्ट है कि इसको आप किसी भी नो अपने फेस पैक में ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी नो मार्केट का फेस पैक अवेलेबल है तो उसको एक स्पून निकालिए अपने बाउल में, उसके अंदर अगेन एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाला, उनको मिक्स किया, एक नाइस स्मूथ पेस्ट बनाया और उसको अपने फेस पे लगा लिया, या फिर अगेन राइस फ्लावर में, मुल्तानी मिट्टी में, सैंडलवुड पाउडर में, आप किसी भी टाइप के पाउडर में उसको मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली देखना। अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो हाफ टी स्पून लेना, अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि नहीं वो बेयर कर सकती है उसकी स्ट्रांगनेस को, तो 1 teaspoon ले लेना। अगेन ट्राई इट फर्स्ट, टेस्ट इट फर्स्ट एंड देन गो फर्दर विद इट, क्योंकि वो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स तो देगा ही, पर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके ऊपर आपको थोड़ी जलन फील होगी, वो कोई नुकसान नहीं करेगा आपकी स्किन के लिए अगर आपको लेस अमाउंट में लगा रहे हो, लेस क्वांटिटी में लगा रहे हो, पर हल्का सा बर्निंग सेंसेशन थोड़ी देर के लिए होगा। सेवेंथ इंग्रेडिएंट इज कोकोनट ऑयल। सबके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अगेन की ऑयली स्किन है वो लोग बोलेंगे कि हम ऑयल कैसे लगा सकते हैं फेस पे, देन डोंट वरी, आपको उसको लगा के रात भर सोना नहीं है। आपको कोकोनट ऑयल के साथ क्या करना है कि अगेन उसको अपने किसी भी फेस पैक में मिक्स करना है, अपने फेस पे लगा लेना है, या फिर किसी भी क्यू टिप की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से फेस पे हल्का सा रब कर लेना है, अप्लाई कर लेना है, छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए, और हल्के से लूक वार्म वाटर मतलब हल्के से गुनगुने पानी से अपने फेस को धो लेना है। अब कोकोनट ऑयल क्या करेगा, कोकोनट ऑयल के अंदर होता है ल्यूरिक एसिड, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, अगेन सब के सब आपकी स्किन को लाइटन करने का काम करते हैं, पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करते हैं, आपकी स्किन को काम डाउन करने का काम करते हैं। आपकी स्किन पर कोई रेडनेस आ रखी है, बहुत ज्यादा हीट हो रखी है, तो आपकी स्किन को अगेन काम करने का काम करते हैं। पिगमेंटेशन एग्जैक्टली होता क्या, आपकी स्किन जब एकदम से गर्म हो जाती है ना, तो आपकी स्किन के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जिससे आपकी स्किन को कलर मिलता है, जिसको मेलानिन कहते हैं। और जहां पे वो हीट हो जाता है ना, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। अगर मानो यहाँ पे हीट ज्यादा लग गई मेरे, तो मेलानिन का प्रोडक्शन है, जो हमारे स्किन कलर का जो प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे एक्सट्रीम ज्यादा हो जाएगा। जब एक्सट्रीम ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे वो पैच बना देगा,
तो हमें उस मेलेनिन को काम डाउन करना है, उसकी हीट को हमें कंट्रोल करना है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है वो आपकी स्किन को काम करने का काम करते हैं, आपकी स्किन पे अगर हीटनेस आ रखी है तो उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही हूँ कि हर चीज को फेस पैक के फॉर्म में लगा के लगाओ, ताकि आपके फेस में वो 10-15 मिनट रहेगा तो आपकी स्किन को अच्छे से काम डाउन करेगा। नाउ आई गोना टेल इंग्रेडिएंट नंबर 8 एंड इंग्रेडिएंट नंबर 9 टुगेदर। इंग्रेडिएंट नंबर 8 है हमारा बेकिंग सोडा और इंग्रेडिएंट नंबर 9 है हमारा शुगर। अगेन ये दोनों के दोनों बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जब आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को रिमूव करने की बात आती है। ये दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट एक बहुत अमेजिंग एक्सफोलिएटर का काम करते हैं। आप बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके अपने फेस पे लगा के हल्का सा रब करके, एक टाइप का स्क्रब बना के रब करके अपने फेस को वॉश कर सकते हो। उससे क्या होगा, अगर मानो जो भी पिगमेंटेशन आपके फेस पर है वो डेड स्किन में फॉर्म होकर हो चुकी है, तो इससे स्क्रब करने से वो सब के सब डेड स्किन आपके फेस से निकल जाएंगे, जिससे आपकी स्किन लाइटन होने लग जाएगी। अगेन शुगर का भी वही सेम काम होता है, आपकी स्किन को वो एक्सफोलिएट करता है। जो भी अगर आपके फेस के ऊपर डेड स्किन होती है, स्पेशली जो ऑयली स्किन है उनकी फेस पे ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑयल है, जिसकी वजह से जो डेड स्किन हमारे फेस से अपने आप निकल जानी चाहिए वो चिपकी रह जाती है और वो कहीं ना कहीं पैच फॉर्म करती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, पर अपने फेस को भी हाथ लगाओगे तो वहां रफनेस फील होगी, मतलब वहां पे डेड स्किन का एक्यूमुलेशन है। तो अगर आप एक्सफोलिएट करते हैं अपने स्किन को तो वहां से वो डेडनेस निकल जाती है और स्किन अगेन क्लीन, स्मूथ और क्लियर हो जाती है। आप चाहो तो शुगर को और बेकिंग सोडा को मिक्स करके हल्के से पानी और शहद के साथ मिलाकर अपने फेस के लिए बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर भी बना सकते हो, पर मेक श्योर अगर जो भी आप चीनी ले रहे हो वो थोड़ी सी ना बारीक हो, बहुत हार्श वाली ना हो, मोटी वाली ना हो, बारीक चीनी। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज दही, योगर्ट। योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को यू नो एक्सफोलिएट करने का काम करता है, जितनी भी डेड स्किन आपकी स्किन पे ऑलरेडी है उन सबको रिमूव करने का काम करता है। अगर कोई पिगमेंटेशन है जो थोड़ी सी डीप हो चुकी है उसको अंदर से एक्सफोलिएट करके आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। प्लस बहुत अमेजिंग कूलिंग एजेंट होता है आपकी स्किन के लिए, जो आपकी स्किन को कूल करता है, रेडनेस रिमूव करता है। जब कूल हो गया आपकी स्किन, रेडनेस रिमूव हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है पिगमेंटेशन भी रिमूव हो जाएगी। आप योगर्ट को किसी भी टाइप के फेस पैक में डाल के यूज कर सकते हैं, तो बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो दही आपको अपनी फेस पे बहुत देर नहीं रखनी है, 10 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अपना फेस आप धो, आपको धो लेना है, धोना नहीं चाहिए इनफैक्ट धो लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आप अपने फेस पैक को, दही वाले फेस पैक को अपने फेस पे कम से कम 20 मिनट के लिए आराम से रख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो और आपको अपनी स्किन के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ वेरी बिग थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और प्लीज इन सब इंग्रेडिएंट्स को यूज कीजिए। आज के टाइम में जहाँ पे सब लोग ना बहुत सारे केमिकल एक्सफोलिएटर अपने फेस पे यूज कर रहे हैं, यू डेफिनेटली नीड टू यूज सम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू, ताकि आपकी स्किन हील भी हो सके। सिर्फ क्लीन या सुंदर नहीं बनानी है, आपको अपनी स्किन को अंदर से इंटरनली हेल्थी एंड ग्लोइंग भी बनाना है। तो उन सब के लिए आपको इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करना बहुत जरूरी है, नॉट एवरी डे बट वंस इन अ वीक तक यू इजिली यूज कर ही सकते हो। सो प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज अमेजिंग इंग्रेडिएंट इन योर स्किन केयर रूटीन एंड आई एम श्योर यू आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये सबके सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपके फेस पे कोई नो साइड इफेक्ट्स नहीं देंगे, आपकी स्किन को इनफैक्ट क्लीन ही करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको आसपास से शोर इस वीडियो में आ रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वी लिव इन अ सोसाइटी तो यहाँ आसपास थोड़ा शोर हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई कैन हेल्प इन दैट, बट ट्राई टू मेक श्योर कि जितना इन सब वॉइस को कट कर सकूँ। एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी प्रोडक्ट्स के बारे में और भी डिफरेंट DIYs के बारे में, सबकी लिंक्स नीचे ऑलरेडी दे रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज गो एंड चेक द लिंक। प्लस अगर आपको इस तरह का मेकअप करना पसंद है कोई भी ओकेजन के लिए या कोई भी यू नो पार्टी के लिए, फेस्टिवल के लिए, तो मैं इस टाइप की वीडियोस भी बनाती हूँ जिसकी रील्स ऑलरेडी अपलोड होती है इंस्टाग्राम रील्स पर, फेसबुक रील्स पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, तो आप उनको जाके देख सकते हो। ये लुक भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा या फिर कल परसों में होने वाला होगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गो एंड वॉच द मेकअप रील्स और स्किन केयर DIYs ऑन द शॉर्ट्स एंड ऑन द रील्स। And I'll see you next week with another video. और आपको जो भी information चाहिए वो सब के सब नीचे description box में दे रखी है, so please don't forget to check that description box. And see you next week. Till then, take care. Bye bye. Thank you.